Assalamualaikum मैम, वेलकम बैक टू दिस चैनल. दिस इज़ मी आर्या वहीद एंड यू आर ऑन द चैनल ऑफ मेडिकेयर. एज ऑल ऑफ यू नो दैट वी हैव स्टार्टेड द प्रैक्टिकल्स ऑफ फार्माकोग्नोसी एंड वी हैव कम्प्लीटेड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिकल्स एंड आई हैव मेक द वीडियोज लाइक विच आर रिलेटेड एंड विच आर सिमिलर. आई हैव मेक दैम इन वन वीडियो एंड विच आर नॉट सिमिलर आई हैव सेपरेट दैम. So I hope that you have watched all of these videos and now in this lecture we have the experiment number 19 to study and I have got the message and comments of a lot of students that they want me to revise the previous experiments again so that they can revise them and they can memorize them. So okay, we are going to also revise them, but first we will study the next one and then we will go for the revising the previous experiments. Okay, so as you know that in this experiment we are going to study about the dissection of a rabbit, like how we dissect a rabbit. So that's very easy and simple. What the apparatus we need for the dissection of rabbit, we need a rabbit and we need a dissecting tray on which we keep the rabbit and dissect it. We need forceps to handle the rabbit and to cut him. We need scissor to cut him. We need gloves. We need dissecting pins. We need scalpel. We need goggles. So all of these apparatus we needed for it. Then what is the theoretical background? The theoretical background is that the dissection is derived from a Latin word which is called as discere. Okay, and discere means to cut into pieces. कि किसी चीज़ को pieces में cut कर देना. So dissection का मतलब ये है, यानी हम rabbit की dissection कर रहे हैं, that we are going to cut the rabbit into pieces. So it is also called as anatomization, which is the dismembering of the body of a decent animal or a plant to study the anatomical study. Diseased animal का मतलब है वो the animal who is facing a disease and who cannot and we cannot save her him life. Okay, so he has to end his life one day, so we can dissect that kind of rabbit. सो वी हैव टू डिसमेंबरिंग करनी है हमने उसकी बॉडी की, यानी उसकी बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं एक मेम्ब्रेन में क्लोज हुए हुए हैं, हमने उन सबको अलग अलग करना है. हम उसकी डाइसेक्शन में उसका स्टमक बाहर निकालेंगे, उसके लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, हम हर उसकी चीज़ को डिसमेंबर करके बाहर काट के रखेंगे. इस चीज़ को कहते हैं डाइसेक्शन ऑफ रैबिट. और ये क्यों किया जाता है, ताकि हम एनाटॉमिकल स्टडीज़ कर सकें. एक्चुअली इसका पर्पस ये है बिकॉज द बॉडी ऑफ रैबिट इज़ जस्ट सिमिलर टू द एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ ह्यूमन. क्या जिस तरह हमारा है ना स्टमक इधर है, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन, जिस तरह की हमारे बॉडी का पैटर्न है बिल्कुल सेम वैसे ही रैबिट की बॉडी का पैटर्न होता है. तो हमें अपनी बॉडी को देखने के लिए कि हमारी बॉडी में भी बिल्कुल इसी तरह होगा जैसे एक रैबिट के अंदर है, तो हम रैबिट की डाइसेक्शन करते हैं. प्रोसीजर क्या है, सबसे पहले आपने सॉर्टर करना है रैबिट को और प्लेस करना है रैबिट इन द डाइसेक्टिंग ट्रे, ठीक है, विद द एब्डोमिनल कैविटी फेस्ड अप. जो जो उसकी एब्डोमिनल कैविटी है उसको फेस्ड अप होना चाहिए. देन आप उसको कट करेंगे और एग्जाम करेंगे एक्सटर्नल एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर. जो सबसे पहले एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स आएंगे एक्सटर्नल, उनको आप देखेंगे. जैसे बॉडी कैविटी होती है और बॉडी कैविटी उसकी बिल्कुल सेम होगी एज द ह्यूमन बॉडी हैज़. नाउ द लेफ्ट स्किन ऑफ द एब्डोमिनल वॉल विद फोर्सेप्स एंड सीजर मेक अ मेडिकल लॉन्गिट्यूडनल इंसिजन, ठीक है. अब आपने लॉन्गिट्यूडनल यानी कि आपने एब्डोमिन रखा है और उसमें लॉन्गिट्यूडनल ऐसे कट आपने लगा देना है, ठीक है, फोर्सेप्स और सीजर के जरिए से, ठीक है. एंड देन एक्सटेंडिंग फ्रॉम द पबिस सिम्फिसिस टू द टिप ऑफ द स्नॉट, ठीक है, ये आप बेशक याद ना रखें, ठीक है. एंड देन द कट द ट्रांसवर्सली अलोंग द फोर्सेप्स, ठीक है. तो फिर आपने उसे पहले लॉन्गिट्यूडनल काटा था, तो अब ट्रांसवर्सली भी आप उसे काट कर सकते हैं. आपने उसकी फोर लिम्स, हैंड लिम्स जितने भी हैं उनको सेपरेट कर देना है. स्किन जो उसकी होती है मसल्स, वो आपने उसको सेपरेट करना है. कट द एब्डोमिनल वॉल मसल बैक टू फ्रंट फोर्सेप एंड सीजर, तो आपने उसकी एब्डोमिनल जो वॉल आती है, ये हमारा जितना भी एब्डोमिनल वाला पार्ट है ना, ये एक मेम्ब्रेन से कवर्ड हुआ हुआ होता है, तो उसे बकायदा कट करेंगे आप, तो आपको नज़र आएगा कि ये स्टोमक है, ये लार्ज इंटेस्टाइन, ये स्मॉल इंटेस्टाइन, तब आपको ये चीज़ें नज़र आती हैं.
सो अल्लाह ताला ने हमें इस हमारे इस एब्डोमेन को एक वॉल के अंदर सेव करके रखा हुआ है। इसी तरह बिल्कुल रैबिट का होगा, आपने उसके एब्डोमेन वॉल को कट करना है और फिर आपको एब्डोमेन के जितने भी ऑर्गेन्स हैं वो नज़र आएंगे। अच्छा, चेस्ट पैरेलल टू द रिब्स, तो जो रिब्स ऊपर होंगे आप रिब्स को कट करेंगे। जब रिब्स को आप यूँ खोल के देखेंगे तो आपको उसका हार्ट भी नज़र आएगा, उसके लंग्स भी नज़र आएंगे, ठीक है। सो चेस्ट का जितना भी एरिया है वो आपको रिब्स के नीचे जो है वो नज़र आएगा, रिब्स के पैरेलल नज़र आएगा। ओपन द चेस्ट वैक्यूम बाय कट अलॉन्ग द स्टर्नम, ठीक है। तो स्टर्नम जो रिब्स का दरमियान वाला पार्ट होता है उसको कट करके आप चेस्ट को ओपन करेंगे और उसमें पार्ट्स उसके देखेंगे, ठीक है। एग्जामिन द इंटरनल ऑर्गन, सो अब आपने हर एक ऑर्गन स्टमक को बाहर निकाल लेना, उसको एग्जामिन करें, आप उसकी हर एक पार्ट को बाहर निकाल सकते हैं। पर्पज़ क्या है इस डाइसेक्शन का? एक तो एजुकेशनल हमारा पर्पज़ था कि हमने देखा, हमने लैब में अपने स्टूडेंट्स को ये दिखाना है कि एक रैबिट के अंदर जिस तरह की बॉडी कैविटी होती है बिल्कुल सेम एग्जैक्टली एक ह्यूमन बींग के अंदर होती है। रिसर्च पर्पज़ के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि लॉट ऑफ रिसर्चेस दे यू नो यूज़ द रैबिट्स फॉर गिविंग देयर ड्रग्स एंड देन यूज़ दैम। सो फॉर सम टाइम डाइसेक्शन ऑफ द रैबिट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर द रिसर्च पर्पज। दे आल्सो यूज फॉर द कंपैरेटिव एनाटॉमी, सो वी हैव टू डू अ कंपैरेटिव एनाटॉमी, वी कंपेयर द रैबिट एनाटॉमी विद ह्यूमन बीइंग एनाटॉमी, ओके, बिकॉज देयर बॉडी कैविटी एंड आवर बॉडी कैविटी दे आर द सेम। वी पर्पज ऑफ डाइसेक्शन इज द सर्जरी, लाइक अगर आप लोगों ने एक रैबिट पे सर्जरी की होगी तभी आपको पता होगा कि बिल्कुल सेम ऐसा ही प्रोसीजर हम ह्यूमन बींग्स पे करते हैं, ठीक है। मतलब ह्यूमन बींग की अगर कोई सर्जरी करनी है एब्डोमिन वॉल के अंदर, लाइक उसका गॉल ब्लैडर रिमूव करना है, तो किस तरह करेंगे? बिल्कुल यही चीज़ करेंगे ना। वो अलग बात है कि आप उसका हर ऑर्गन बाहर निकाल के नहीं रखेंगे, आप उसकी सिर्फ जो है वो डॉक्टर्स जो है वो गॉल ब्लैडर उसका बाहर निकालेंगे, लेकिन ये सर्जरी में इस तरह की चीज़ें हेल्प करती हैं। और डायग्नोसिस में भी अगर आपने किसी डिजीज़ को डायग्नोस करना है तो बाद का डाइसेक्शन ज़रूरी होती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर टुडेज़ लेक्चर, दिस वाज द एक्सपेरिमेंट नंबर 19, सो वी हैव स्टडीड इट। बट बिफोर वी गो टू एंड दिस वीडियो आई एम गोइंग टू रिवाइज द प्रीवियस वन एक्सपेरिमेंट्स। ओके गाइस, सो दिस वाज ऑल आवर एक्सपेरिमेंट नंबर 1। एज यू नो दैट इन द एक्सपेरिमेंट नंबर 1 वी हैव डिस्कस द इंट्रोडक्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, लाइक वी हैव स्टडी व्हाट इज द ऑर्गन बाथ, व्हाट इज द पावर लैब, व्हाट इज आवर काइमोग्राफ, ओके, थ्री ऑर्गन्स इंस्ट्रूमेंट वी हैव स्टडीड देम। सो व्हाट इज द ऑर्गन बाथ, कैन यू रिवाइज दैट? यस, ऑर्गन बाथ इज आल्सो कॉल्ड एज एन ऑर्गन चैम्बर and it also has other name, can you remember that? Yes, it is also called isolated tissue bath or gut bath. तो इसके ये तीन नाम हैं, इनको आपने याद रखना है। तो ये एक ऐसा चैम्बर है जिसमें isolated organs और टिश्यू को हम प्लेस करते हैं और उसको stimulate करते हैं electrically to measure their functions. तो क्या करना है आपने, यहाँ पर आप डायग्राम में देखें, ये हमारा organ bath है। क्या है ये, इसमें एक ट्यूब है, कैन आई जूम इट फॉर यू? ओके, सो नाउ यू कैन क्लियरली सी इट, सो दिस इज़ अ ट्यूब एंड यू कैन सी अ रेड डॉट, सो इट इज़ अ टिश्यू ऑफ एनी एनिमल, लाइक यू कैन सपोज दैट आई हैव कट अ टिश्यू ऑफ अ रैबिट, लाइक इट इज़ सम मस्कुलर टिश्यू और सम अदर टिश्यू, सो लेट अज्यूम दैट इट इज़ स्मूथ मसल टिश्यू ऑफ दैट रैबिट, सो आई हैव प्लेस इन इट, आई हैव मेंटेन ऑल द कंडीशंस। Now I want to study that if I put any drug onto this muscle tissue, what it will react, okay? What it will contract, it will relax, what thing it has happened. So I have to study the effect that how the muscle react in response to our drug, in response to our electricity. I can give electricity to that muscle, okay? To study their effects. सो इस चीज़ को हम कहते हैं ऑर्गन बाथ, कि किसी भी टिश्यू को रखना है और उसके ऊपर अगर आपने किसी ड्रग के इफेक्ट को या इलेक्ट्रिसिटी के इफेक्ट को स्टडी करना है तो आप ऑर्गन बाथ में ये चीज़ कर सकते हैं। लेकिन याद रखना कि ऑर्गन बाथ के अंदर ना आप ऐसे नहीं रख सकते एक टिश्यू को, आपको उसको प्रॉपर ऑक्सीजन प्रोवाइड करनी होगी, आपको उसे प्रॉपर एक मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का स्टोर देना होगा, आपको एक सोल्यूशन में उसे रखना होगा, ठीक है। तो ये जो सोल्यूशन, ये वाटर है और ये जो डार्क ब्लू कलर का, ये इसमें जो सोल्यूशन जा रहा है ये फिजियोलॉजिकल सार सोल्यूशन होते हैं। इसमें हम टायराइड सोल्यूशन भी पुट कर सकते हैं, लैक्टेटेड ड्रिंकर सोल्यूशन भी पुट कर सकते हैं।
तो हम थायराइड और लैक्टेटेड रिंगर सॉल्यूशंस भी डिस्कस कर चुके हैं, बट आगे वो हम जाके रिवाइज भी करेंगे। सो जब आप इसको यहाँ पर पुट करते हैं और सारी कंडीशंस को मेंटेन रखते हैं, तो ड्रग देने के बाद एक ड्रग किस तरह कॉन्ट्रैक्ट करती है, किस तरह रिलैक्स करती है, वो हमें मिलता है इस काइमोग्राफ के ऊपर। ये काइमोग्राफ एक ऐसा ऑर्गन है, इसमें ये एक ड्रम होता है, ड्रम के ऊपर एक पेपर होता है और ये पेन लगा हुआ होता है। जैसे ही आपका मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये जो पेन है ये इस तरह की अपवर्ड मूवमेंट शो करेगा। जैसे ही मसल रिलैक्स होगा, डाउनवर्ड करवाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको देखें, जैसे ही मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा आपका ये ऊपर की तरफ जाएगा, जैसे ही रिलैक्स होगा ये आपका नीचे की तरफ यूँ आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह की मूवमेंट्स आ जाती हैं जिससे हमें पता लग जाता है कि एक ड्रग के रिस्पॉन्स में मसल हमारा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है या रिलैक्स कर रहा है, किस तरह का रिस्पॉन्स दे रहा है, तो ये हमें पता लग जाता है। अगर हम बात करें इसके पर्पज़ की, तो हम क्यों यूज़ कर रहे हैं ऑर्गन बाग को, सारी बात है हमने एक मसल टिश्यू या जो भी टिश्यू है, हमने एक तो इसकी इंटीग्रिटी रखनी है, नहीं इसको मेनटेन रखना है। हम किसी भी रैबिट के मसल को ना ऐसे ही बाहर नहीं रख सकते, ठीक है, या डायरेक्टली उसके ऊपर ड्रग नहीं अप्लाई कर सकते, उसकी इंटीग्रिटी नहीं रहती, वो मसल का जो भी टिश्यू या सेल होता है वो मर जाता है इस तरह। तो हमें एक प्रॉपर कंडीशंस उसे देनी होती है, हमें ऑक्सीजन देनी होती है, जिससे आप जो है ऑक्सीजन के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते। इसी तरह ही रैबिट का जो टिश्यू होगा वो भी इस तरह नहीं रह सकता ज़िंदा, उसे भी अपनी ज़िंदा रहने के लिए सारे आयन, सारे मिनरल्स, सारा ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह चीज़ें ये चाहिए। तो अगर आपने सेवरल आवर्स तक उस मसल को रखना है और उसके ऊपर कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है, तो आप उसे एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में रखेंगे, इस ऑर्गन बाथ के कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में, जिसमें उसके ऑक्सीजन लेवल, उसके कार्बन डाइऑक्साइड, उसके जितने भी मिनरल्स हैं वो एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होते हैं, कंट्रोल्ड होते हैं। सो यूज़ क्या है हमारे ऑर्गन बाथ का? सो इट इज़ यूज टू इन्वेस्टिगेट द नर्व मसल इंट्रैक्शन, कि एक नर्व मसल के साथ किस तरह इंट्रैक्ट करती है, उसको स्टडी करने के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, ऑर्गन बाथ को यूज़ कर रहे हैं। एंड आल्सो कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी ऑफ स्मूथ मसल्स, कार्डियक एंड स्केलेटन मसल्स, ठीक है। अब हम रिवाइज करेंगे, ऑर्गन बाथ क्या है? इट इज़ अ आइसोलेटेड टिश्यू चैम्बर, गट बाथ, और यू कैन से ऑर्गन चैम्बर, ये तीन नाम है इसके जो कि आपने याद रखने हैं। तो इसमें है क्या? तो ऑर्गन बाथ इज़ अ ऑर्गन चैम्बर इन विच वी विल पुट and any isolated tissue and we will study the effect of drug and the effect of electricity on that tissue, okay, in a controlled environment. So what is the purpose of your organ bath? The next heading was that, and what is the purpose? Yeah, very good. So you know, you have revised with me. So the purpose of using the organ bath is to study, it's to maintain the integrity of the muscle cell, okay. If we have to perform several hours on experiment on that tissue, so to maintain its integrity we put it into the organ bath, and in the organ bath we have a controlled environment, very good. And the last heading of the organ bath was, yes, very good, uses of organ bath. And what were the uses? Yes, we have to study the nerve muscle interaction. Ek nerve muscle ke saath kis tarah ek nerve eye muscle contract hoga ya relax hoga, ek nerve eye muscle kis tarah se behave karega, aur ek drug ke baad jab ek nerve aati hai aur nerve signal deti hai ki ab koi drug aa gayi hai, to uske lihaz se muscle kis tarah contract karega, ye interaction hum organ bath mein study karte hain. बिल्कुल इसी तरह के एक स्मूथ मसल, कार्डियक मसल या एक स्केलेटल मसल किस तरह कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है, वो भी हम ऑर्गन बाद में देखते हैं। काइमोग्राफ की तरफ आ जाते हैं। काइमोग्राफ ये ऑर्गन है, ये आप पिक्चर में भी आप देख सकते हैं कैसे करता है, क्या करता है, ये मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ। सो काइमोग्राफ इज़ अ डिवाइस दैट ड्रॉज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, तो एक ग्राफ हमें बना के देता है, ठीक है, और स्पेक्शियल पोजिशन ओवर द टाइम इन विच स्पेक्शियल एक्सिस रिप्रेजेंट द टाइम, से ये आखिरी लाइन आप छोड़ सकते हैं। इट बेसिकली कंसिस्ट ऑफ रिवॉल्विंग ड्रम होता है, इसके अंदर रैप विद अ शीट ऑफ अ पेपर एंड स्टाइलस विच मूव बैक एंड फॉर्थ, ओके। टाइप्स हैं काइमोग्राफ की, वीडियो काइमोग्राफ और डेप्थ काइमोग्राफ। काइमोग्राफ के अगर हम यूजेस देखें तो ये हमें इट जनरली यूज टू स्टडी द इफेक्ट्स ऑफ ज़ेनोबायोट्स ऑन द टिश्यू प्रिपरेशन, सो इट रिकॉर्ड्स द मोशन ऑफ फ्लोरेसेंट पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स, वेसिकल्स और ऑर्गेनेल्स।
It also used to record the muscle motion changes in the blood pressure. Okay, so this was all about the chymograph. So next device that. So what is a chymograph? It is a device that is used to draw a graphical representation of anything like the muscle contractility and other things. So what was the purpose of it? So chymograph is an organ that consists of a revolving drum with a sheet of paper wrap on it and a stylus which move back and forth. Okay, very good. So what are the types of it? Two types: depth chymograph and video chymograph. And then the next thing is that the uses of it. So it is used to study the effect of xenobiotics. What are the xenobiotics? Can you say that? I have told you when I revised the lecture. When I firstly introduced this lecture. Yeah, so these are those substances that are foreign to animal. Like any kind of drug. अगर आप कोई drug animal को दे रहे हैं या कोई एक हम animal को क्या दे like कोई एक insect है और उसको हम pesticide दे रहे हैं तो वो xenobiotics कहलाते हैं. तो ये human beings के लिए ये drugs नहीं होती, ये animals की होती है. तो हम क्योंकि rabbit के tissue को study करने जा रहे थे तो जब हम कोई भी drug rabbit के tissue को देते हैं तो उसके लिए हम chymograph को use करते हैं जैसे मैंने पहले दिखाया. तो ये record करता है motion of different organs. जैसे एक cell के अंदर जितने भी organelles हैं वो किस तरह मूव कर रही है उनकी मोशन को बताने के लिए भी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. और इसी तरह ब्लड प्रेशर कैसे चेंज हो रहा है, मसल की मूवमेंट कैसे चेंज हो रही है, उस चीज़ को हम इसी में स्टडी करते हैं. सो लेट डिस्कस व्हाट इज़ द पावर लैब. सो इट इज़ वेरी कॉमन. ये एक क्या होता है, फार्माकोग्लोली या डिफरेंट जो इंजीनियरिंग की लेबॉरटरीज होती हैं उसके अंदर ये यूज़ होता है. एक्चुअली ये एक इस तरह का इंस्ट्रूमेंट है जो हमारे कंप्यूटर के साथ अटैच होता है. ठीक है, और ये क्या करता है, ये एक्चुअली एनालाइज करता है जितने भी सिग्नल्स आ रहे होते हैं हमारी ह्यूमन बॉडी से. लाइक कोई किसका पार्ट होगा जो ह्यूमन बॉडी के साथ अटैच होगा. तो अब क्या करते हैं, जिस तरह आप देखते हैं वो पेशेंट जिनको हार्ट का मसला होता है और उनको एक मशीन लगी होती है जिसमें ना हार्ट वेव यूं बने हुए आ रहे होते हैं और जब वो स्ट्रेट होता है तो डॉक्टर कहते हैं कि अब आपके पेशेंट जो है वो नहीं रहे. तो वो पावर लैब से कनेक्ट होता है, पावर लैब उस कंप्यूटर से कनेक्ट होता है और उस कंप्यूटर पे हमें वो कार्डिक वेव्स जो हैं वो उस तरह से शो हो रही होती है. तो इसीलिए ये पावर लैब ये क्या करता है, ह्यूमन बॉडी से जितने भी सिग्नल्स आ रहे होते हैं, जितने भी उसके हार्ट से सिग्नल्स आ रहे होते हैं उन्हें एनालाइज करता है और उन्हें जो है ना इनपुट डिवाइस यानी कंप्यूटर में भेज देता है. और कंप्यूटर में भेजने के बाद क्या होता है, उस कंप्यूटर के अंदर एक सॉफ्टवेयर होता है. ठीक है, जिसे हम कहते हैं लैब चार्ट सॉफ्टवेयर. तो उस सॉफ्टवेयर की वजह से आपको जितना भी ग्राफिकल डिस्प्ले है एनालिसिस वगैरह करने के लिए वो नज़र आ जाता है. सो इसको हम 1999 से पहले मैक लैब कहते थे, अब इसको पावर लैब कहते हैं. यूज़ इसके क्या है, तो ये यूज़ हो रहा है इन परफॉर्मिंग. सो इट यूज़ इन द परफॉर्मिंग द कार्डियोवैस्कुलर, रेस्पिरेटरी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन टिश्यूज. कि आपने कोई भी प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है किसी के कार्डिक टिश्यू के ऊपर या रेस्पिरेटरी या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल टिश्यू के ऊपर, तो आप इस पावर लैब के जरिए से कर सकते हैं. दूसरी चीज़ें आ जाती है, इट आल्सो रिकॉर्ड्स टू एनालाइज द फिजियोलॉजिकल सिग्नल्स फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी आल्सो. तो ये सिर्फ एनिमल्स वगैरह के कार्डिक टिश्यू या रेस्पिरेटरी टिश्यू के लिए नहीं है, ह्यूमन बॉडी भी इसके ऊपर हो सकती है और हो भी रही है. ठीक है, हार्ट पेशेंट्स में आप लोग ये चीज़ देखते हैं. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द टुडे लेक्चर जिसमें हमने तीन ऑर्गन्स पढ़े, काइमोग्राफ, ऑर्गन बाथ और लास्ट था पावर लैब. तो पावर लैब क्या है, ये एक इनपुट डिवाइस है जो कनेक्ट होती है एक कंप्यूटर के साथ और ये क्या करती है, ये एनालाइज करती है जितने भी फिजियोलॉजिकल सिग्नल्स आ रहे होते हैं ह्यूमन बॉडी से या एनिमल बॉडी से, उनको एनालाइज करके ये एक हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देती है हमारे कंप्यूटर के ऊपर. कंप्यूटर में कैसे देती है, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर एक सॉफ्टवेयर होता है लैब चार्ट सॉफ्टवेयर. सो सबसे पहले आप उस सॉफ्टवेयर को अपडेट करते हैं और देन आपको जो है वो लैब पावर उसके साथ अटैच करते हैं और फिर लैब पावर किस चीज़ से अटैच करते हैं, यूएसबी से, और फिर आपको वो सिग्नल्स एनालाइज हो जाते हैं. और ये किस चीज़ के लिए है, इसका पर्पज़ क्या है, इसका यूज़ क्या है, लाइक आपने कोई भी प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है, आपने हार्ट के टिश्यू के ऊपर करना है, आपने रेस्पिरेटरी टिश्यू के ऊपर करना है, आप पावर लैब के यूज़ से कर सकते हैं.
इसके अलावा अगर आपको कोई कह देता है कि हमें बताएं कि ये फिजियोलॉजी का सिग्नल है आ रहा है और इसको रिकॉर्ड भी करना है और इसको एनालाइज भी करना है, लाइक ह्यूमन बॉडी में हार्ट अटैक हो रहा होता है जब पेशेंट को, या तो हम उसकी ECG करते हैं, ठीक है ना, तो ECG में क्या हो रहा होता है कि जितने भी सिग्नल्स होते हैं हार्ट से वो पावर लैब लेता है और फिर एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वो बना देता है, और फिर हम उस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में देते हैं कि हमारा हार्ट सही काम कर रहा है या नहीं। अगर वो सही काम नहीं कर रहा होता तो वो कर्व सही तरह नहीं बननी होती है जैसे एक नॉर्मल ह्यूमन बींग की होती है, और अगर वो सही काम कर रही है तो ह्यूमन नॉर्मल है। सो ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है ह्यूमन बींग्स के अंदर भी और एनिमल्स के अंदर भी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द टूडेज लेक्चर। मैंने पहला जो एक्सपेरिमेंट है वो साथ रिवाइज कर दिया है और हमने उसको अच्छी तरह देखा। अगर आपने वीडियो साथ साथ रिवाइज किया तो आई होप कि आप लोगों को अब सारी चीज़ें जो हैं वो याद हो चुकी होंगी। मिलेंगे अगले लेक्चर में, देन वी विल रिवाइज द 3 solutions, नॉट 4 solutions प्रेजेंट इन योर प्रैक्टिकल। स्टायर सोल्यूशन, फ्रॉग रिंगर सोल्यूशन, क्रैब हैंसलर सोल्यूशन एंड द फिजियोलॉजिकल सार सोल्यूशन। तो नेक्स्ट वीडियो में हम 4 प्रैक्टिकल्स को रिवाइज करेंगे। सो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपने मेरी नेक्स्ट वीडियो टायरॉइड सॉल्यूशन के ऊपर देखनी है या डिफरेंट सॉल्यूशंस के ऊपर देखनी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, मीट यू सून इन द नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।